गुरुवार को निर्माताओं की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक फेडरल सेंसर बोर्ड ऑफ पाकिस्तान ने फिल्म मुल्क पर प्रतिबंध लगा दिया। यह फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसमें राजद्रोह के आरोपी एक मुस्लिम परिवार को अपना सम्मान वापस पाने की जद्दोजहद में दिखाया गया है। वहीं अभिनेत्री तापसी पन्नू, जो फिल्म में एक वकील का किरदार निभाती नजर आ रही हैं, उनका कहना है कि वह पाकिस्तान में हुए फिल्म के प्रतिबंध से काफी दुखी हैं, क्योंकि इस कारण अच्छी विषय की फिल्म वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तापसी का कहना था, ऑफ कोर्स कंसर्न होता है फॉर द प्रोड्यूसर दैट दे वोंट बी एबल टू मेक द मनी दैट दे कुड हैव एंड फॉर आई फील सैड दैट गुड कंटेंट विल नॉट रीच देयर सो आई फील सैड फॉर देम। जबकि पहले फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने पाकिस्तान के उन दर्शकों से अवैध रूप से फिल्म देखने का आग्रह किया था जो इस फिल्म को देखना चाहते हैं। जब अनुभव सिन्हा से पूछा गया कि वो पायरेसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनका कहना था, आई एम नॉट प्रमोटिंग पायरेसी, प्लीज डू नॉट सेंसेशनलाइज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। ये एक ऐसा युद्ध है जो उन लोगों के साथ लड़ा जाना है जो दो देशों के लोगों को भाईचारे की बात करने से रोकते हैं। तो अगर उसमें कुछ अनफेयर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो दिस इज अबाउट लव एंड इट्स माई फिल्म, आई ओन द फिल्म obviously with my partner Mr. Deepak Mukut. मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको गलत रास्ते से भी दिखती है तो देखिए, आपको क्या परेशानी है। मुल्क 3 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। INS रिपोर्ट।